भिवंडी आजाद नगर गोसिया मस्जिद स्थित बहुजन समाज पार्टी के भिवंडी अध्यक्ष मोहम्मद याकूब मुमताज अहमद अंसारी इनके हाथों बहुजन समाज पार्टी के भिवंडी शहर सचिव का नियुक्ति पद हैदर अली शाहू हमीद मलवारी और सैयद गुलाम रसीद उर्फ बाबू भाई को वार्ड नंबर 12 व ब के अध्यक्ष का पद दिया गया। इस अवसर पर रहमतुल्ला अंसारी मुन्ना भाई, वार्ड अध्यक्ष आसिफ खान, निजाम अंसारी, राशिद शेख, मोहम्मद शफीक अली अंसारी, कुरैसी इरफान उपस्थित थे। आइए देखते T90 न्यूज में एक रिपोर्ट। हाँ सर जी, आपने आज किन किन को पद दिया गया उनके बारे में ज़्यादा जानकारी। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय भारत। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले तो मैं सीरिया में जो मुसलमानों के साथ जो बदसलूकी हो रही है, जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है सीरिया में और भी दुनिया के कई देशों में जो मुसलमान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उसके खिलाफ हम एहतजाज करते हैं, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि मुसलमान जहां कहीं भी दुनिया में परेशान हाल है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। हाँ, तो आज जो हमारा प्रोग्राम रखा गया है, आज हमने दो लोगों को पद दिए है, जिसमें हैदर अली शाहू हमीद मलवारी, उनको हमने बहुजन समाज पार्टी का भिवंडी शहर सचिव का पद दिया है और आगे उम्मीद है कि वो पद का इस्तेमाल करके अच्छा काम करेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। और दूसरा हमने पद दिए सैयद गुलाम रशीद को उर्फ बाबू भाई, उनको वार्ड नंबर 12 बा का अध्यक्ष बनाया गया है और बाबू भाई से भी उम्मीद है हमको, सैयद गुलाम भाई से उर्फ बाबू भाई, उनसे भी हमको उम्मीद है कि वार्ड नंबर 12 बा में काफ़ी अच्छा काम करेंगे वो, और हमको खबर भी आएगी वो कुछ ना कुछ लोगों के लिए करते रहते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी में आने के बाद मुझे उम्मीद है बाबू भाई भी अच्छा काम करेंगे, हैदर भाई भी अच्छा काम करेंगे और जैसे ही ये लोग अगर समाज में अच्छा काम करें, इंशाल्लाह ताला आज जो पोस्ट पे है कल उनकी पोस्ट और बढ़ाई जाएगी। और मैं यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ हमारी जितनी भी पार्टी के कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी के, निडर हो के बेफिक्र काम करें लोगों के लिए और जहाँ कहीं भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम लोग हैं, कुछ राय मशवरा लेना है तो आप लोग हमसे कॉल करके या मिलके राय मशवरा ले सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक की भलाई के लिए काम करना है। जय हिंद जय भारत। खुदा। हाँ सर जी, आप जो पहले बीजेपी में कार्यकर्ता थे उसके बाद आप यानी बीजेपी छोड़ के इस पार्टी में प्रवेश किए, तो आपको इस पार्टी में क्या ऐसा लगा कि जो आप इस पार्टी में प्रवेश किए? अस्सलाम वालेकुम। दरअसल मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में था तो मेरे को याकूब भाई का काम अच्छा लगा तो इसलिए याकूब भाई से कॉन्टेक्ट करके प्रवेश किया। तो इस पार्टी में जब प्रवेश किए तो आप इस पार्टी में क्या मतलब ऐसा लगा आपको कि पार्टी में प्रवेश? सबसे पहले तो पहले मैं RPI का कार्यकर्ता था, RPI मेरे को जमी नहीं, तो याकूब भाई का काम देखते हुए मैंने याकूब भाई से कांटेक्ट किया और याकूब भाई का कांटेक्ट करने के बाद मैंने पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली।